प्रैक्टिकल 8 में इसको हमने दो भागों में बांटा है, एमएस वर्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी हम पार्ट 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल है इसलिए हमने इसको विभिन्न दो भागों में बांटा है ताकि आसानी से इसमें बनाए जा सकें। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जो टाइपिंग रिलेटेड कार्य को पूर्ण करता है। जैसे लेटर बनाना हो, कोई पोस्ट कार्ड आपको लिखना है, या कोई डॉक्यूमेंट बना करके आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना, कहीं भी करना है, तो उसके लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसी टेक्स्ट फाइल को, रिच टेक्स्ट फाइल जिसको हम कहते हैं, उस रिच टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं, नई बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं, उसको ईमेल के माध्यम से कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये कार्य हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। हमारे सामने जो ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ हुआ है, ये एमएस वर्ड का ही है। अब हम देखते हैं कि एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे होगा। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट मेनू में जा कर के ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ लिखा है एमएस ऑफिस वर्ड 2007, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एमएस वर्ड की एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका है, हम विंडो की प्लस आर से रन कमांड को ओपन करेंगे और हमारा इसका जो शॉर्टकट कीवर्ड है विन वर्ड, उसे टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इससे भी हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये स्टार्ट हो गया है। इसमें एक, अगर हम अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता कि एमएस वर्ड को किस प्रकार चलाना है, इसके क्या क्या ऑप्शन हैं, तो इसके लिए हेल्प का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है, जिससे आप अपनी क्वेरी, जिस प्रकार से हम सर्च इंजन पर सर्च करते हैं किसी वेबसाइट को, उसी प्रकार से इसमें भी हम हमारे कीवर्ड की सहायता से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो इसका हेल्प मेन्यू है। यहाँ सर्च क्वेरी में आप जो भी आपकी क्वेरी है, आप उस क्वेरी को लिखेंगे तो ये इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें दिखाएगा। क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी अपना प्रमोशन कर रहा है, यहाँ पर हम हमारी क्वेरी लिखेंगे तो उस क्वेरी को ये आसानी से बता देगा। इसी प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, ओपन करने के लिए हम यहाँ से ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाएंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो भी हमारी फाइल है उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। टाइपिंग करना है कीबोर्ड के माध्यम से, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की टाइपिंग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट बदलना है, बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज बदलना है, फॉन्ट का कलर बदलना है, उसकी बैकग्राउंड बदलना है, या उसको बॉर्डर के अंदर लेके आना है, वर्ड आर्ट करना है, तो हम जैसे भी कोई भी एडिटिंग चाहें तो उसमें एडिटिंग इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसमें कार्य हम कर सकते हैं, जैसे कॉपी करना, इंसर्ट करना, मूविंग करना एंड डिलीट, ये है सारा कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड। बहुत सामान्य है, जैसे 8.4 है, इसको मैं दो जगह पर ले जाना चाहता हूँ, यानी इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको माउस की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस सी दबाऊँगा, या फिर यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इसमें कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यही काम इंसर्टिंग का भी हो गया है, कॉपी प्लस इंसर्ट। मैंने इस 8.4 और 8.5 के बीच में जैसे 8.4.1 कर दिया, तो इस तरह से बीच में इंसर्ट हो गया है। तो ये कॉपिंग एंड इंसर्टिंग इस प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूविंग करना है, यानी हमें कट करना है, कट करना है, जैसे मुझे 8.4 यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये 8.6 के बाद चाहिए, तो मैं कंट्रोल एक्स दबाऊंगा या यहाँ से कट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, 8.6 के बाद मैं इसको यहाँ पर को पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस वी से, या फिर यहीं पर पेस्ट का बटन, या हम पेस्ट का बटन कितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा। अब चूंकि यहाँ चार बार ये हो गया है, आपको होने नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट की दबाएंगे, या फिर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो भी अंडू होता जाएगा और ये पुरानी चीज़ें हटती
जाएगी। फिर है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करना। जो सामने डॉक्यूमेंट है मैं इसको सोर्स डॉक्यूमेंट मानता हूँ, और एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करके उसे डेस्टिनेशन बना देता हूँ। तो यहाँ से मैं किसी भी डेटा को यहाँ से कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर भी ले जा सकता हूँ। तो इसे हम कहेंगे कॉपिंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आप किस प्रकार से कॉपी करेंगे। तो यहाँ बताएंगे कि पहले सोर्स डॉक्यूमेंट से जो डेटा चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे, जो डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करेंगे, तथा सोर्स डॉक्यूमेंट से जो डेटा हमें कॉपी करना है उस डेटा को सेलेक्ट करके उसे डेस्टिनेशन में पेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो गया। आवश्यकता है तो इसे सेव करें अथवा नहीं करें। अंडू और रिड्यूस में जैसे अभी मैंने आपके सामने इसको दो लाइन ऊपर लिया है, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अंडू कर दूंगा, यानी जो मैंने सेटिंग्स की है वो सेटिंग्स वापस बैक में चली जाए। पर मुझे लगता है कि नहीं मुझे वापस चाहिए तो मैं उसको रीडू करूंगा कंट्रोल प्लस वाई से, या फिर ऊपर ही ऊपर यहाँ पे दो एरो बने हुए हैं अंडू का और रीडू का। तो ये एक स्टेप बैक, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या मैंने किया था, वो उसके अकॉर्डिंग मैं जा सकता हूँ बैक में, और वापस आना है तो मुझे रीडू करना होगा। तो अंडू रीडू से जो हमने स्टेप्स लिए हैं उन स्टेप्स को वापस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करने का काम आएगा। कोई स्पेलिंग हमने अगर गलत कर दी है तो हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने FINDE किया है, तो अब ये मुझे F7 दबा करके मैं स्पेलिंग चेक कर सकता हूँ कि वो ग्रामर वगैरह सही है या नहीं है। अब FINDE है तो इसके अकॉर्डिंग या तो आप फाइंड लिखना चाह रहे थे या FINDE लिखना चाह रहे थे। तो हमें लगता है कि FINDE सही है तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमारा फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा। अगर रेड लाइन आ रही है इसका मतलब जो सामने वाला जो करेक्टर है वह गलत है। जैसे वापस रिप्लेस मैंने किया F7 में करता हूँ तो ये रिप्लेस के इतने सारे ऑप्शन बता रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो भी चेंज कर दे। अब ये यहाँ पर ग्रीन में बता रहा है कि यहाँ पर भी ग्रामर में कुछ मिस्टेक है, जैसे कोमा के बाद एक स्पेस होना चाहिए, स्पेस नहीं है तो इसने बताया है। इस प्रकार से चेंज करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम F7 के माध्यम से स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। किसी वर्ड को ढूंढना, किसी सेंटेंस को ढूंढना, पैराग्राफ को ढूंढना, उसके स्थान पर किसी अन्य को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन है। क्या हमें सर्च करना है, जैसे मुझे फाइंड वर्ड ढूंढना है कहाँ है, तो यहाँ देखते हैं कि ये मुझे यहाँ पर मिलता है। अगर मैं सभी को एक साथ देखना चाहूँ कहाँ कहाँ, तो हम इसको रेड हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसा कि सामने दिखाया गया येलो कलर में आ गया है ये फाइंड। अगर आपको हाईलाइट हटाना है तो वापस आप क्लियर हाइलाइटिंग कर दें। इस फाइंड की जगह आपको कैपिटल फाइंड करना है तो यहाँ हम सर्च करेंगे फाइंड को रिप्लेस विद, जैसे मैंने किया फाउंड, तो रिप्लेस होल कर दूंगा तो ये सारे फाइंड जो है वो रिप्लेस फाउंड से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस भाग वन में 8.1 से लेकर 8.7 तक हमने एक्सरसाइज की है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। भाग दो में हम 8.8 से लेकर अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। और अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट bit.do/105c पर भी आप सर्व कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। धन्यवाद।